This video is brought to you by How's That? क्या आप भी किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे टीम 11 पे टीम बना रहे हो और बच्चों के साथ खेल रहे हो? हमारे साथ खेलोगे? How's That पे खेलो लेजेंड्स के साथ, हमें हरा और जीतो डबल कैश। लॉग ऑन टू howsthat.com एंड विन रियल कैश। तारीख 26 अक्टूबर साल 2020 यूएई में आईपीएल 2020 खेला जा रहा था। इसी बीच खबर आई कि ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए भारतीय टीम का सिलेक्शन हो गया है। वैसे तो टीमें सामने आने के बाद तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई, लेकिन आज हम उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज बात होगी शार्दुल ठाकुर की। शार्दुल ठाकुर जिन्हें इस टूर के लिए सिर्फ वनडे टीम में चुना गया था, उसमें से भी पहले दो वनडे मैचों में उन्हें जगह नहीं मिली। फिर आया तीसरा वनडे, 3 विकेट लेकर ठाकुर उस मैच में भारत के सबसे सफल बॉलर रहे। हालांकि उस वक्त ये प्रदर्शन भी आगे किसी मौके की गारंटी नहीं था, लेकिन परिस्थितियां बदली और ठाकुर को दूसरे और तीसरे T20 में भी मौका मिला। हालांकि वो इन मौक़ों पर कुछ खास नहीं कर पाए और दो मैचों में महज 2 विकेट ही ले पाए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। टीम मैनेजमेंट ने जाने क्या सोचकर उन्हें घर वापस नहीं भेजा। ठाकुर को ऑस्ट्रेलिया में ही रोका गया। हालांकि इसके बावजूद उन्हें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले 3 टेस्ट मैचों में मौका नहीं मिला। फिर आया ब्रिस्बेन टेस्ट, ठाकुर को आखिरकार प्लेइंग 11 में जगह मिल गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग कर 369 रन बनाए, ठाकुर के खाते में 3 विकेट आए। फिर आई भारत की बैटिंग। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के आगे टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर कुछ खास नहीं कर पाए। टीम 186 पर 6 विकेट खो चुकी थी। अब कंगारू अपनी दूसरी पारी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 7वें नंबर पर आए वॉशिंगटन सुंदर और 8वें नंबर पर आए शार्दुल ठाकुर ने अलग ही प्लान बना रखा था। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की खबर लेनी शुरू की। सुंदर ठाकुर ने मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और नाथन लॉयन को मैदान के हर कोने में धुना। इन दोनों के बीच 7वें विकेट के लिए 217 गेंदों पर 123 रनों की पार्टनरशिप हुई। 309 के टोटल पर शार्दुल ठाकुर को पैट कमिंस ने बोल्ड किया। वो 67 रन बनाकर आउट हुए। भारत की पारी 336 रन पर खत्म हुई। फिर आई ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी। मोहम्मद सिराज ने 5 और ठाकुर ने 4 विकेट लेते हुए ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 294 रनों पर समेट दी। पहली पारी में मैथ्यू वेट का कैच लपकने वाले ठाकुर ने दूसरी पारी में जोश हेजलवुड का कैच लिया। इसके साथ ही वो भारत के लिए एक ही टेस्ट में 60 से ज़्यादा रन, 7 या उससे ज़्यादा विकेट और 2 या 2 से ज़्यादा कैच लेने वाले पहले और इकलौते क्रिकेटर बन गए। जाने लायक है कि भारत ने अभी तक 546 टेस्ट मैचों में 301 प्लेयर्स को मौका दिया है ना अद्भुत कारनामा। तो बजाइए शार्दुल के लिए तालियां। बाकी मैच के आखिरी दिन क्या होता है, हार जीत जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।